पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा हवाई पट्टी के सामने रोड पर खड़े ट्रक और डंपरों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। हवाई पट्टी के सामने रोड पर खड़े होने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध अम्बेडकर कॉलोनी वासियों के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी कि रोड के दोनों ओर वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है एवं दुर्घटना घटित होने की संभावना भी बनी रहती है। यातायात पुलिस द्वारा हवाई पट्टी के सामने आम रोड पर खतरनाक तरीके से खड़े 14 ट्रक एवं डंपर चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 16,000 रुपए समन शुल्क राशि अधिरोपित किया गया एवं चालकों को समझाइश दी गई कि नगर पालिका द्वारा निर्धारित रेत मंडी में ही वाहन खड़ा करें, भविष्य में हवाई पट्टी के सामने वाहन खड़ा न करें, अन्यथा पुनः वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शिवपुरी से सुख खान की रिपोर्ट। आज यातायात पुलिस के द्वारा भारी डंपरों पर कार्रवाई की गई है। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और कितने डंपरों पर कार्रवाई की गई है? ये देखिए, विगत कई दिनों से ये शिकायतें हवाई पट्टी रोड पर प्राप्त हो रही थी। अम्बेडकर नगर करके कॉलोनी है, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार ये शिकायती आवेदन पत्र थाना यातायात को दिया गया था कि हवाई पट्टी रोड पर रेत और ईंट की जो गाड़ियाँ हैं वो अव्यवस्थित रूप से आम रोड पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को एवं आम नागरिकों को वहाँ से आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में कई बार इन वाहन मालिकों को समझाइश दी गई थी कि आप लोग अपने वाहन आम रोड पर ना लगाएं, नगर पालिका द्वारा रेत मंडी ईंट मंडी के लिए जो आपको निर्धारित स्थान दिया गया है आप अपने वाहन वहीं पे खड़ा करें और वहीं से अपना व्यापार संचालित करें। क्योंकि समझाइश के बाद भी कई लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था एवं अपने वाहनों को आम रोड पर ही खड़ा कर रहे थे, तो इसलिए आज यातायात की टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक कार्रवाई की है, जिसमें हम लोगों ने 16 डंपर या बड़े ट्रक जो आम रोड पर खड़े होकर यातायात को बाधित कर रहे थे उनको जब्त करके उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को भेज कार्रवाई करके जुर्माना लगाया है। वहीं ये देखा गया है कि शहर के व्यस्तम चौराहों पर स्थित बैंकों में यातायात को अवरुद्ध किया जा रहा है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है या क्या गाइडलाइन रखी गई है उनके? बिल्कुल, जो शहर में जो व्यस्तम मार्ग 3 रोड पर अधिकतम हमारे वित्तीय संस्थान संचालित हैं, यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में सभी बैंक संस्थानों को नोटिस जारी करके पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। तो उक्त नोटिस के पालन में बैंक कर्मचारी बैंक मैनेजरों द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो आज दिनांक को यातायात की टीम द्वारा सभी वित्तीय संस्थानों बैंकों के बाहर भी ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो आम रोड पर खड़े हुए हैं और यातायात को बाधित कर रहे हैं। ऐसे 28 वाहन चालकों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है और 13,000 रुपए समन शुल्क उन पर लगाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल